साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज इस एपिसोड में हम धनु लग्न का मई माह का राशिफल समझने वाले हैं। देखिए, मई माह के प्रारंभ में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है यह आप स्क्रीन पर कुंडली में देख सकते हैं। देखिए, मई माह के प्रारंभ में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु जो है ये आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और शुक्र जो है ये मई माह के प्रारंभ में छठे भाव में, मंगल सप्तम भाव में, केतु एकादश भाव में और शनि जो है वो तीसरे भाव में है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह जो है कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेस चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको समय समय पर ऑनलाइन कोर्स की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं, तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतरदशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो धनु लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए अंतिम निर्णय तक कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, लग्नेश बृहस्पति जो है यह अभी आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित है। यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो अब समय आपके पक्ष में रहने वाला है, क्योंकि देखिए अभी 22 अप्रैल को ही बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है ये लग्न भाव पर है, जिससे विवाह का बहुत अच्छा योग निकल कर आ रहा है। यानी एक बात को समझें कि 22 अप्रैल से ही अप्रैल 2024 के मध्य का जो यह समय है यह विवाह के दृष्टिकोण से एक अच्छा समय है, लेकिन मई माह में भी आपकी सगाई फाइनल होने के बहुत अच्छे योग प्रतीत हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि सप्तम भाव का स्वामी बुध जो है और बृहस्पति लग्नेश इनकी जो युति है वो पंचम भाव में हो रही है, जिससे बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। देखिए, इस मई माह में कोई रिश्ता आता है तो आप जरूर फाइनल कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए अभी मई माह में बच्चों की छुट्टियां प्रारंभ हो जाएगी, तो वैसे छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जो भी बच्चे मई माह में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए बहुत सकारात्मक है। विशेषकर 14 मई तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है, मेहनत करें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यह मई महीना आपके लिए ठीक ही रहने वाला है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि अपने व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें। इसके अलावा वैवाहिक संबंधों के लिए भी यह समय ठीक है, लेकिन 10 मई तक आप अपने पार्टनर के साथ बेवजह की वाद विवाद करने से बचें या बहसबाजी बिल्कुल ना करें। यही बात व्यापारिक पार्टनरशिप पर भी लागू होती है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप समय समय से मंदिर जाएं, साधु संतों का आशीर्वाद लें और घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। इसके अलावा सभी प्रकार के नशे से दूरी बनाए रखें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसे ही आप अपने उपाय समझ लीजिए। वैसे यह कोई उपाय नहीं है, यह तो हमारा कर्म है। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए बृहस्पति जो है बहुत अधिक शुभ फल दे पाएंगे, यानी उनमें पावर बढ़ जाएगी और राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि अभी वर्तमान समय में जमीन से संबंधित कोई आपकी डील आप करना चाह रहे हैं तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि 10 मई से पहले पहले उसे निपटा लें, अन्यथा फिर उसमें रुकावट आ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप उम्र में बड़े हैं यानी 55, 60 या 65 वर्ष जो है आपकी उम्र है,
तो अभी इस समय आपको अपने बच्चों से वाद विवाद नहीं करना है, बच्चों से वाद विवाद टालें। और यदि संपत्ति बंटवारे को लेकर यदि घर में चर्चा चल रही है तो फिलहाल 1 जुलाई तक इसे टालें तो ये ठीक रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो अभी फिलहाल कुछ समय के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि बृहस्पति और राहु की युति कुंडली के पंचम भाव में हो रही है, जिससे गुरु चंडाल दोष बन रहा है। तो अभी थोड़ा आप संयम रखें और अभी फिलहाल कोई भी नया निवेश ना करें। अब देखिए, 13 और 14 मई को चंद्रमा और शनि की युति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बन रही है, जिससे विष योग बनेगा। और इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें। इसके अलावा 19 और 20 मई को भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और 24 और 25 मई को भी आपको चिंता रह सकती है। हालांकि 24 और 25 मई को चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन देखिए यह भाव जो है अष्टम भाव है, इसे अच्छा नहीं माना गया है। तो इन 2 दिनों में भी विशेष ख्याल रखें और भोलेनाथ के मंदिर जाएं। अब देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वह 5 मई को है, अमावस्या 19 मई को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य करें और जरूरतमंदों की मदद करें और गौ माता की सेवा करें। इसके अलावा प्रदोष व्रत जो है वो 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं, ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।